सो है गाइस, आज की इस वीडियो में एक और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये भी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस है क्या, शो दैट y इक्वल टू a cos log x प्लस b sin log x इज अ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस वन। इस वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, बहुत अच्छे से करने वाले। इक्वेशन का क्या करेंगे, सबसे पहले सिंगल ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव करेंगे, डबल ऑर्डर की नीड है कोई नहीं, कर लेंगे। पहले वन बाय वन करते हैं। y का डेरिवेटिव क्या होता है, dy / dx ऑन बोथ साइड, मींस दोनों ही साइड का करेंगे। a सेम cos x का होता है माइनस का sin x, ठीक है, जिसे हमने x माना cos x, सबको x बोला ना, तो उसको अगेन करेंगे, log x का होता है 1 upon x, ठीक है, sin x का होता है cos x, ठीक है ना, जिसे x मानेंगे अगेन करेंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये 1 upon x कॉमन है ना, कॉमन लेके डिवाइड में भेज देते हैं, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में आ जाएगा, कोई परेशानी है आपको, यस और नो? नो, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है ना, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। कैलकुलेशन का आप नोटबुक निकाल कर सॉल्व भी कर सकते हैं, जिससे कि आप कैलकुलेशन अच्छे समझ में आ भी सकती है, ठीक है ना। तो यहां पर x आ गया, ये माइनस का a साइन log x, b cos log x, अगेन डेरिवेटिव करेंगे क्योंकि डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू की नीड है, सो ये मेंशन कर देंगे अगेन डेरिवेटिव, या फिर अगेन बस समझ जाएंगे, अगेन अप्लाई कर रहे हैं डेरिवेटिव का प्रोसेस। फर्स्ट एज इट इज प्रोडक्ट रूल लगेगा, सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड डेरिवेटिव, सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का वन, एक्स का डेरिवेटिव वन होता है, ध्यान रखना है। इक्वल में साइन का होता है कॉस, कॉस एक्स, जिसे एक्स मानेंगे सेम वही प्रोसेस अगेन करेंगे, लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स होता है, अपॉन में एक्स आ जाएगा। यहां पर कॉस है ना, तो कॉस का होता है साइन माइनस का, जिसे एक्स मानेंगे अपॉन में आ जाएगा, सेम वही एक्स आ गया, एक्स कॉमन लेके डिवाइड में भेजेंगे, यहां पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यस और नो? हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहां पर आ जाएगा एक्स, ये भी ठीक है, यहां से माइनस कॉमन है, यहां पर भी माइनस है, सो क्या बचेगा, ए कोस लॉग एक्स प्लस में बी साइन लॉग एक्स, यस, बहुत अच्छे से क्लियर पता चल रहा है, ये वाली वैल्यू जो है ना गिवन इक्वेशन में वाई की है, सो ये वाली चीज को सेम ऐसे लिखते हैं, क्या है एक्स स्क्वायर, ठीक है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल में, ये वैल्यू किसकी थी सब, वाई की, माइनस वाई, ये वाला सेम नोट करा है मैंने, माइनस चेंज इनटू किस में जाएगा, प्लस में, यस और नो? होप सो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, यस और नो? अगर क्वेश्चन क्लियर हो गया है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, तो वीडियो को लाइक करें, और अगर डिफरेंट टाइप किसी भी क्वेश्चन के, आप किसी भी चैप्टर के अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं, तो चैप्टर का नाम कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, उसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, जो क्लास 12 के बोर्ड के एग्जाम में काफी ज्यादा यूजफुल रहेंगे। आज की क्वेश्चन है, वीडियो को अच्छे लगते हैं वीडियो को लाइक जरूर करें।